एक सीन इस मंदिर का लिया जाता है हीरा मूवी में, तो जब लिया जाता है जब जगन्नाथ सुनील दत्त के पीछे पड़ जाते कुल्हाड़ी लेके, तो इसी मंदिर में सुनील दत्त घुस जाते हैं और मारने के लिए फाइट वगैरह होती है। तो सुनील दत्त पूछते हैं क्यों मार रहे हो, तो क्योंकि इसलिए मारते हैं क्योंकि जो जगन्नाथ की एक लड़की होती है और हीरोइन का नाम है फरीदा जलाल, तो उनका फिल्म में नाम होता है लहरिया, तो क्या लहरिया का शत्रु सिन्हा जी से प्यार करती है बलवंत राव से, तो क्या बच्चे की माँ बनने वाली होती है शादी से पहले, तो वो बोलते हैं शत्रु सिन्हा के इसको गिरा दो, तो वो ना कर देते कि शादी कर लो, तो वो शादी नहीं करते, तो उसको शत्रु सिन्हा जी फरीदा जलाल को मार देते हैं ना कि लहरिया को, तो वो जगन्नाथ को मालूम पड़ता कि उनकी लड़की को मार दिया है, तो वो इंजाम सुनील दत्त पे लग जाता है, तो सुनील दत्त के पीछे पड़ जाते हैं जगन्नाथ कुल्हाड़ी लेके, तो इसी मंदिर में घुस जाते हैं। तो इसी मंदिर का सीन आप स्क्रीन शॉट में मैच करते रहना, तो यहाँ के सीन इसी मंदिर का एक कैलाशपुरी से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है ये नागदा में, तो वो सीन यहाँ के अब ये पिल्लर। हाय हेलो दोस्तों नमस्कार, तो मैं हूँ केशव खिलाड़ी, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 1973 में एक मूवी आई थी हीरा, जिसमें कलाकार थे शत्रु सिन्हा और सुनील दत्त। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस मूवी का लास्ट वाला सीन, जहाँ पर गांव वाले मिलकर और पुलिस वाले मिलकर और सुनील दत्त उनमें गोली मारते हैं शत्रु सिन्हा को, और जो गांव वाला सीन दिखाने वाला हूँ। तो इस फिल्म की शूटिंग की लोकेशन की भी बात कर ली जाए, तो इसकी लोकेशन है राजस्थान के उदयपुर सिटी से 20-25 किलोमीटर दूर चीरबा गांव, और कैलाशपुरी से 3 किलोमीटर दूर नागदा गांव का जो मंदिर वगैरह हैं दिखाए मैंने वीडियो में, तो वो सिर्फ नागदा गांव के हैं। इस फिल्म के कलाकारों की भी बात कर ली जाए तो इसमें कलाकार हैं शत्रु सिन्हा और सुनील दत्त, आसफ रेख और फरीदा जलाल और कन्हैया लाल और अनवर और झीलन। तो दोस्तों जो शत्रु सिन्हा जी हैं तो उसमें जो ठाकुर का रोल दिया है, और डाकू भी बने हैं, और सुनील दत्त भी उनका भी ठाकुर का रोल है, मगर वो गांव के सेवक बने हुए हैं सुनील दत्त जी, और शत्रु सिन्हा डाकू का रोल निभाते हैं। और दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करो वीडियो पर, आपका लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है भाई, कुछ मेहनत भी नहीं लगती है, थोड़ा सा टच करना पड़ता है, से क्या हमको खुशी मिलती है कि हमारी जो हम मेहनत वगैरह करते हैं। दोस्तों जैसे मूवी में दिखाया गया था इस मंदिर को, आज भी जैसे पाए वगैरह आप देख सकते हो, आज खाली इतना बढ़ता हुआ गया कि ये थोड़ा आगे का जो नीचे का जो फ्लोर है वो फ्लोर थोड़ा बहुत टूट चुका है, और देख सकते हो ये पत्थर वगैरह कुछ निकल चुके हैं यहाँ पे, और बाकी का जो पाए वगैरह हैं जो डिजाइन है वो तो सब अच्छी है, यहाँ पर सब ठीक ठाक है, और खाड़ी जो नीचे का जो फ्लोर है थोड़ा बहुत ये पत्थर निकाल ले गए कोई वगैरह, तो वो सीन यहाँ का हीरा मूवी में। तो इसमें जो काली माता की मूर्ति रखी रहती है वो फिल्म में दिखाई जाती है, और इस मंदिर में कोई पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं होता है, ये शानदार अच्छा मंदिर पूरा पत्थर का बना हुआ है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चीरबा गांव, और जो आपको पहले ये मंदिर वाला सीन दिखाया था वो नागदा का सीन था, वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर था। तो दोस्तों जो हीरा मूवी में जो लास्ट वाला जो सीन होता है शत्रु सिन्हा को जो मारते हैं गांव वाले और पुलिस वाले सब मिलकर, तो इसी जगह पर मारते हैं, जो आप सामने ये 3 दरवाजे 4 दरवाजे वाला ये देख पा रहे हो, तो उसका जो सीन देख पा रहा है अभी, तो वो सीन यहाँ का ही है, आप इसकी शॉट में मैच करते रहना और मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ से शत्रु सिन्हा जी घोड़ा लेके भागते, जो आप सामने का क्लियर देख पा रहे हो, तो ये सामने का सीन है, और ये पानी पीने का जो तलाव है यहाँ पर जानवर वगैरह पानी पीते हैं, तो वो सीन यहाँ का ही है। और जब और ये पेड़ भी आप मैच कर सकते हो, इसमें यहाँ पर जो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं सब लोग, तो अभी क्या ये गांव के लोग अभी भैंस वगैरह को पानी वगैरह पिला रहे हैं, और ये आज भी जैसा का जैसा है ये पुराना वाला घर, आज भी जैसा इसका जैसा दिखता है। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो आपने मेरा गांव मेरा देश मूवी देखी होगी,
तो जो धर्मेंद्र जी को, जो विनोद खन्ना जी होते हैं, वो बेल्ट से पट्टे वगैरह मारते हैं, तो यहीं का सीन होता है मेरा गांव मेरा देश का। और यहीं पर हीरा मूवी बनी है, और इसी गांव में ज्वाला मूवी बनी है, वो भी ज्वाला मूवी शत्रु सिन्हा जी की है। और तो इसी गांव में 4-5 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, तो मैंने इसके 4-5 पार्ट बनाए हैं मेरा गांव मेरा देश के, तो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो गोली लगती है शत्रु सिन्हा जी को, तो ये पानी के पलावड़ी के पास पड़े रहते हैं और दम तोड़ देते हैं अपना, तो वो सीन यहाँ का ही होता है। ये गांव बहुत अच्छा है, और मुझे चारों तरफ पहाड़ी वगैरह है इस गांव के, आप देख पा रहे हो। तो ये गांव का सीन है, ये आप बरगद का पेड़ देख पा रहे हो, ये घर है। तो अभी जो कैमरा लगाया गया था वो मूवी में, वो यहाँ से लगाया गया था, तो आप देख पा रहे हो एकदम पूरा क्लैरिटी में कैसे दिखाया गया था मूवी के अंदर। तो वो सीन यहाँ का ही होता है, और गांव वाले सब लोग मिलकर शत्रु सिन्हा जी को पकड़वाते हैं, और यहाँ पर गोली सुमित दत्त मार देते हैं, क्योंकि उनके पिताजी के गर्दन पे बंदूक लगा देते हैं, और भागने की कोशिश करते हैं मगर भाग नहीं पाते, और उनको यहीं मौत हो जाती है शत्रु सिन्हा जी की। मगर थोड़ा ही से सीन है, लास्ट का ही सीन है इस मूवी में, और बाकी का तो कैलाशपुरी का और भैरव पहाड़ी के सीन है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इस मूवी की लोकेशन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों मैं आज आपको एक बात और बता देता हूँ, आप ये तालाब देख पा रहे हो, ये छोटा सा तालाब है, ये मेरे गाँव से थोड़ा इसे दूर है मेरे घर से, और मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ, और जब भी मेरा कभी दिल निराश होता है, कभी मन आउट होता है मेरा, तो इधर आके मैं 2-3 घंटे शाम के टाइम आके बैठा रहता हूँ। और छोटे जो कंकड़ होते हैं, ऐसे कंकड़ होते हैं, मैं पानी में बैठा बैठा मारता रहता हूँ, और 2-3 घंटे तक मैं अपना टाइम पास यहीं करता हूँ, और यहाँ पर सुकून मिलता है, शांति मिलती है मुझे। और मैं अभी तो दोस्तों चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।